जनपद सीतापुर के ब्लॉक बहटा के बसंतापुर गांव में जहां के प्रधान अनवर लाल काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनके किस्से आए दिन अखबारों में सुर्खियां बनी रहती हैं। महोदय ने 70 वर्षीय रसूला का प्रधानमंत्री आवास का पैसा बैंक मैनेजर की मिली भगत से अंगूठा लगवा कर निकाल लिया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने के बाद प्रधान ने पीड़िता को घर बुलाया व बोले अपना पैसा ले जाओ। जब पीड़िता प्रधान के घर जाती है तो सेक्रेटरी व प्रधान बूढ़ी माँ को मारने पीटने दौड़ते हैं, नहीं जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठा भी लगवा लेते हैं। आखिरकार पीड़िता रोती बिलखती अपने घर चली आई। आज पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि क्या ऐसे भ्रष्ट प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या पीड़िता यूं ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेगी। कैसा पैसा रहा है? आवास का पैसा? आवास का पैसा रहा है? अच्छा अच्छा कौन बोला इस प्रधान वाला? ये कौन प्रधान है? अनुमान। अच्छा अच्छा तो फिर क्या कहा? कहीं अपन पैसा ले जाओ, हम बाहर में हम शहर में तो नहीं गए। ठीक तो हुआ बैठे से के तभी। अच्छा तो वे डांटिन और मारे जो गया कहीं उठा लगा तो उठा जगह में लगवाई कागज पे। हाँ, कागज सादा था, कुछ लिखा था? सादे कागज अंगूठा लगवा लिया। अच्छा क्या बोले सेक्रेटरी? अंगूठा लगाओ नहीं रहना रहा। अच्छा हाँ। फिर पैसा दिया गया नहीं दिया गया? कहाँ रही? अच्छा पूरा पैसा आवास का ले लिया है क्या? हाँ, पूरा ले लिया। अच्छा पूरा निकलवा लिया? अच्छा अच्छा अब आज डीएम के वहाँ आई थी, कोई कार्रवाई के लिए बताया गया? आज मुलाकात नहीं हो पाई। आप क्या चाहती हो? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। राजनीतिक सफर शुरू करने के बाद हेमा मालिनी जी बड़े पर्दे से लंबे समय से गायब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड की इस ड्रीम गर्ल के डांस और फिल्मों में खूबसूरत अदाओं को भूला जा सकता है। वह एक अच्छी कलाकार के साथ बेहतरीन डांसर भी हैं। आज हेमा जी ने एक बार फिर से ऐसा कुछ करके दिखाया है जिसके देखने के बाद उनकी हर कोई चर्चा कर रहा है। इस उम्र में सांसद हेमा जी ने शास्त्रीय संगीत की धुन पर राधा और मीरा स्वरूप में राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी के सामने अपनी प्रस्तुति दी। सांसद हेमा जी की इस प्रस्तुति की हर कोई चर्चा कर रहा है। सांसद हेमा जी के राधा और मीरा स्वरूप को देखकर दर्शक भी आश्चर्यचकित रह गए हैं। सांसद हेमा मालिनी जी ने बताया कि उन्हें राधा रमण मंदिर में झूला फेस्टिवल के तहत बुलाया गया है और वे अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य सबसे प्रिय है और उनसे बड़ा नृत्य कलाकार कोई हो ही नहीं सकता। मीरा और राधा रूप में ठाकुर राधा रमण जी के सामने अपनी प्रस्तुति दी है और कहा है हमारी नृत्य संस्कृति को कायम रखना जरूरी है। साथ ही नृत्य के बाद माइक से सांसद हेमा मालिनी जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित बताया। साथ ही सांसद बनने अर्थात अपनी जीत के पीछे भगवान ठाकुर राधा रमण जी का आशीर्वाद बताया। मेरा कार्यक्रम पेश करने का अवसर मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमेशा आप राधा जी के साथ मीरा जी के साथ रहते हैं, तो उनको भी अच्छा लगा होगा कि राधा को देखिए, राधा बहुत परेशान है कि कृष्ण से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, राधा वाला प्रसाद हो गए। एंड देन मीरा वाला भाव में शी सेड कि मुझे आप चाकर रखो, चाकर रखो। सभी जो यहाँ पर राधा रमन लाल जी की बांसुरी प्रसाद में मिली है, क्या कहेंगे? क्या हमेशा मेरे साथ मेरे जो ठाकुर हैं उनको मेरे पास। थैंक यू। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। शासन गौशाला बनवाने पर काफी कोशिश कर रहा है मगर ग्राम प्रधान अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद बदायूं ब्लॉक उसावा के गांव अहमद नगर रुखाड़ा का सामने आया है। गांव में 3 गायों की मौत हो गई है। इस बारे में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार को सूचना दी। इस पर प्रधान ने कहा कि मरने दो, हम क्या करें, क्या हमने इस बात का ठेका ले रखा है? इसी बात पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अनूप कुमार व टप्पू ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दे, साथ ही मृत गायों को उठवा कर जमीन में दफन कराया जाए।
और छुट्टावारा गायों को गौशाला में रखे। इस पर प्रधान बोले कि हमारे पास चारा पानी की व्यवस्था नहीं है। जब से शासन ने गौशाले के लिए आदेश किया है तब से आज तक एक भी गाय गौशाले में नहीं पहुंची। दो गाय गौशाला में दिखाई दी। जानकारी करने पर पता चला कि दोनों गाय प्रधान जी की है। ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन से अपील की है कि इस बात पर ध्यान देकर व्यवस्था में सुधार किया जाए। गौशाला बना हुआ है, मतलब गायें आपके यहाँ बैठनी है, प्रधान से शिकायत नहीं की? बहुतेरी कही हमने, जो गैया और हैं तो अपनी, मतलब तुमने पैसा टका लाओ हो तो अपनी बनाओ, बनाओ ना गौशाला। तो फिर प्रधान ने क्या कहा तुमसे? अब तो कुछ ना कही प्रधान ने, कोई सुनवाई नहीं किसकी? बदरा मरियो जट्टा मरियो जाए ना कहा, तो बदरा देख लो तो हमारे बास को मारे छाड़ो ना, रोटी ना खाई पाई का। तो उनसे ये कहती है कि हमारे गांव में ये गाय आके हमारे घर में बैठती हैं, इसका मतलब बताइए मैंने तो वह क्या करें, बैठती हैं तो फिर क्या करें, फिर बैठी रही। ये किसने कहा? मैंने नहीं कही। वे किसने कही? नाम बताओ। अब नाम तो हमें नाम मालूम है, घर के मोहल्ला के सभी बालक है। नहीं, किसी बालक ने कहा या प्रधान ने कहा? किसने कहा तुमसे? अब भाई साहब है कि कहा तुम्हारी जा कहें कि देख लो हमारी शिकायत। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें सब बोलो बस, जिसने कहा उसके कहो। किसने कहा तुमसे? तो कहीं बैठन दे, जहाँ बैठते हैं तहाँ बैठन दे। नहीं कहा किसने? नहीं कहूँगा बाना, कही नहीं ने प्रधान ने कहते। अच्छा प्रधान ने कहा है? हाँ कहू कही नहीं प्रधान ने, अगर कोई डर ना आ जाए बात को। यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गाय दवाई गई है, वो किसने दवाई है? दोनों तो दवाई कट करके दी जाना थी। हम थे जच्चा थे हमारे और अब कमलेश थे, संजू थे। तुमने दवाई किसों के दवाई से दवाई है? आपने मतलब किसी प्रधान से, प्रधान ने तुमसे कहा है? किसने कहा है? कहा जाके प्रधान से, तो प्रधान ने कही हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि गैया हो कि उसको तो दबाना हम जानते हैं, कि बछड़ा को हम नहीं जानते। तो हमने साहब माँ कुड़ते हुआ, अब माँ कुड़ते हैं तो हमें बदबू लगते हैं, हम वो खाना नहीं खा सकते हैं। तो कोई अच्छा तो कोई कि अपने आप जवाब जाके हम उसका कोई पैसा नहीं देंगे। ये किसने कहा? प्रधान ने कहा? प्रधान ने कहा, मतलब सब मना कर दिया तुमसे? हाँ सब मना कर दिया। तुम ये कहते हो यहाँ पे बदबू आ रही है, आप कुछ तो यहाँ पे ध्यान दे, आप यहाँ पे रहिए आके। हमने कही थी तो देखने भी नहीं आए प्रधान, सभी को बताया लेकिन कोई नहीं यहाँ सुनता है किसी का। ठीक है, प्रधान देखने भी नहीं आए, प्रधान देखने भी नहीं आए ना, उन्होंने बोला कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। बुखार अभी तक आ रहा हूँ, मान लो मार चढ़ गई ना, मार के माँ की वजह से बीमार हो गए। अभी यहाँ से हम देखते हुए आए हैं गांव के चावलंग, तो लगभग तीन गाय मरी हुई पड़ी हैं। और आप ये बता रहे हैं, लोगों से पूछा कि मैंने प्रधान से शिकायत भी की है कि गाय सड़ गई है, तो प्रधान ने सामना कर दिया है। अभी मैं तो आपको पहले आप बताओ, आपने कोई आपके पास आया था? हमारे पास कोई आदमी आया हुआ। आपने ये कहा मतलब गाय सड़ी हुई है आपकी, जो मेरी गाय होती तो हम गड़वाते हैं, बछड़ा से नहीं गड़वाएंगे हम। तो बछड़ा हम क्यों गड़वाएंगे? हम तो फिर दूसरी बात जाए, जब गौशाला में अगर हमारी मत है तो हमारी जिम्मेदार हम होंगे। ऐसे तो जब गौशाला में गाय कितनी बंद है इस टाइम पे? गौशाला में ऐसी दस बारह हैं यहाँ पे, तो अब मान लो पानी व्यवस्था वही आते है पूरी गाय हमारी, जितनी बायस है बायस बनी बांधी रखा है। दो सौ गाय, दो सौ गाय के मालिक ना है, दो सौ गाय के कौन प्रधानमंत्री थे वो आएगा कि डी एम साहब जाएंगे हमें, हमें आप बताओ। कितने गाय का आदेश है? बाईस गाय, बाईस बाईस। तो इस टाइम पे दस बारह गाय बंद हुई हुई है उसमें। हाँ जल्दी पानी की व्यवस्था हमारी आज वही आती है, उसके बाद में अपनी बाईस गाय बंद कर लेंगे, और जब पानी ना हो तो कहाँ से लाएंगे हम? अच्छा आप नाम बताइए अपना। हमारा नाम है रविंद्र प्रधान। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए बीरपाल सिंह के साथ हरिओम की रिपोर्ट, बदायूं। फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद क्षेत्र अंतर्गत भोगनी ब्रांच भूड़ा नहर पुल के समय एक युवक नहर में डूब गया। जानकारी होते ही थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। युवक की तलाश के लिए नहर पर गोताखोरों द्वारा युवक की लाश तलाश की जा रही है। युवक की शिनाख्त गांधीनगर फिरोजाबाद निवासी अभिषेक जैन पुत्र अशोक जैन के रूप में की गई है। बताया गया है कि युवक अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से शुक्रवार शाम 6 बजे नहाने आया था। डूबे हुए अभिषेक के बड़े भाई का आरोप है, जब युवक नहर में गिरा था तो उसके साथ ही उसका वीडियो बना रहे थे, उसके बचाव के लिए उसने कोई काम नहीं किया और न ही परिजनों को सूचना दी। घटना के बाद युवक लापता है, फिलहाल युवक की तलाश के लिए प्रयास जारी है। मेरा नाम सुनील है, मेरा कल छोटा भाई शाम को 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ नहाने आया था, उसके साथ में एक लड़का था हरिओम नाम का, उसकी वीडियो बना रहा था। वो जैसे ही डूबा है मोबाइल वोबाइल गाड़ी छोड़ के उसको छोड़ के सब भाग गया। तो उसने कोई सूचना नहीं दी है कि कहाँ है कैसे है? किसी और पार्टी का फ़ोन आया मेरे पास,
तब उसकी जानकारी मिली, तब रात को यहाँ थाने आए सुखावा थाने में। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। सिंघाई के रहने वाले विकास शुक्ला अपने को प्रधान संपादक बताते हुए लवेदपुर बीके हॉस्पिटल जो कि पहले चल रहा था, अस्पताल संचालक अस्पताल को बंद करके अपने घर चला गया, लेकिन 3 दिन पूर्व में आए हुए बीके हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल संचालित करने की सोच ही रहे थे, तब तक अपने को प्रधान संपादक बताते हैं विकास शुक्ला 25,000 का जबरन विज्ञापन मंगाते हुए कहा कि अगर हमसे आप मिलकर चलोगे इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे जिले में आप बैठो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लड़ाई करते हैं, अपने को सीएमओ साहब से भी ऊंचा बताते हैं, कहा कि यदि 25,000 नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ खबर बढ़ा चढ़ा कर लगाएंगे, तथा 3 पत्रकार अन्य भी उनके साथ में आए हुए थे जो कि वहां के वर्कर को ही जबरन कुर्सी पर बैठाकर उसे अवैध वसूली की बात करने लगे, जिसका ऑडियो भी प्राप्त हो चुका है। ऐसे पत्रकार जो अपने संरक्षण में अपने को किसी अधिकारी से भी ऊपर बताते हैं 25,000 की बात व वसूली करते हुए 15 अगस्त के नाम पर ले रहे हैं, जबकि विज्ञापन स्वेच्छा से दिया जाता है, ना कि किसी को भी जबरन सताकर। किसी को भी जबरन सताकर उससे अवैध वसूली करना कानूनन जुर्म है और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बात हम बिल्कुल आपके पक्ष में आ रहे हैं, आपके विपरीत आ रहे हैं, यह चीज ये जानते हैं। तो पहले तो आप लोग राजा दादा हम कई दिन से आ नहीं होता, 3 दिन हुआ है। तीन दिन से हम यहाँ पर आए, तो हम बताए क्लियर है ना, आपको क्लियर है, आप सबको बताया 25,000 बताइए, 2500 ना 25,000 का विज्ञापन बता। एक चीज बता, डेढ़ केरा विज्ञापन है, ठीक 25,000 चलो हम दे दिया भाई, ठीक 6 जनन में है निकलिए, बिल्कुल निकलिए, तो 6 जनन में है का फायदा निकलना यार, और तो है ठीक है, ये देश में है क्षेत्र में है कितने अस्पताल है। आप मेरी बात सुन लो, न्यूज भी कई प्रकार की होती है, न्यूज भी तरह तरह की, जैसे कि 1,000 2,000 2,000 2500 जैसे कि सबसे ले हो अगर जो इधर तो 10 लोग ले हो तो आप कह रहे हो कुल मिलाकर के न्यूज का जो वर्जन बनता है वर्जन पे जो है रकम तय की जाती है, यह चीज ये जानना था। अब इनसे कुछ छुपा ना, आप इनसे बात कर लो, डायरेक्ट बताइए आपका नाम बता दे, कोई हिसाब कह ले तो पूरी तरह गलत है ना। पहले तो भैया तुम हम क्या बताया, पहले 3 दिन से हम आए राजू दादा खुद जानते हैं, हाँ तुम ना बोलो ठीक, 3 दिन में ये ना है कि 200 रुपया हम पैदा कर रहे हैं, इनकी स्थिति हुआ ना है कि तुमको 25 फुटी नहीं डेपे में तो आखिर तब तक के लिए जैसे कि ये चलाएंगे ठीक, अब की बार विज्ञापन नहीं है तो हमसे पूरा ले, अब की बार विज्ञापन आवे हमसे पूरा ले लो, हमारी दोस्ती चल रही, हम मान लो दोस्ती अगर निभा के तो हम पेपर छोड़ दी, अगर पेपर का साथ निभाई है तो दोस्ती छोड़ दी, यह तो हुई दोस्ती का होना छूटा था भैया, ज्यादा ये हुई है कि हम यहाँ से हट जाए ठीक, हट जी बा हमारे साले के यहाँ घर पर रही बा, घर पर रही कैसे छूट रहे दोस्ती, पटकार एक महीना तो हड्डी उड़ा भैया का, ठीक जब हड्डी उड़ा शुरू हो तो आप जाट पटक हुई, जो हम सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में है तो हम अपनी बारे में फर्क बोल रखा, यहाँ यू है हुआ वो हमारे प्रूफ है ठीक, तो हमारे तुम्हारे दोस्ती टूट ना रूप, हम सोचते हैं सांपो मर गया रहते हैं टूटे, तो हम बताएं अब आप कर लिए ठीक, लेकिन अब हम आपके साथ हम काम कर चुके हैं तो आपके लिए हम एक बार बताइए जो भी इनको देना है आज क्लियर करें अभी दें ठीक है, बात अभी ना है आपसे हम बताए ठीक, अगर हमें समझ में आई तो ठीक है, ना समझ में आई तो जयराम जी की अगले साल हमका तू हमसे विज्ञापन लियो ठीक है, अभी जैसे कि खर्चा के रहा बात है तो खर्चा हमसे ले ली है और क्या है, तुम बताओ तो कितने का, क्योंकि हमको ऊपर देना 1500 खर्चा, अभी जैसे कि हम तो बैठे तो अब है यार, आप बात बैठे कि नहीं है, जो चीज हम लिखे हैं ठीक है, गलत लिखी है, कोई भी चीज गलत है
यो हम नहीं जाने थे यार, हम पहले रान गए यहाँ पर यार, हम तो अब तीन दिन से आए। आप यो थोड़े देखा जी कि आप तीन दिन से आए, चार दिन से आए, इस वक्त यहाँ पे आप बैठे तो राजू भैया जानते हैं कई दिन से आए हैं, कई दिन से आए हैं, इस वक्त यहाँ पर आप बैठे हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके भागीदार आप ही हो, जो बंदा चला हुआ वो ना भी है, ओके भागीदार आप ही, ऊपर से अगर कोई एक्शन होगा तो आपके ऊपर होगा। अभी आप हमसे बता रहे हो कि ईमान आयोपी ओमान आयोपी है, ठीक है, उसके बाद जो ऊपर से टीम आई है तो आपके यहाँ अत्योदय के यहाँ पर रहता हूँ आप, क्या हो वो तो बस सही है, ठीक है, तब आप चाहे जहां से व्यवस्था के तत्काल करेंगे, क्योंकि वो फिर बंदा ना है वहाँ देखे कि यहाँ 10 दिन बाद दीवा 15 दिन बाद दीवा, ठीक है, बात वो नहीं है भैया, कम से कम। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुमेर कुमार की रिपोर्ट, धौरहरा।